हेलो व्यूअर, मेरा नाम विकास कुमार सिंह है और आप देख रहे हैं विकास कुमार सिंह टेक एक चैनल। आज के इस सेशन में मैं फिर से मोबाइल का एक कवर का रिव्यू करने वाला हूँ। मोबाइल है सैमसंग F04 फोन और अभी से पहले मैंने जो एक कवर का रिव्यू किया था वो भी इसी मोबाइल का था, सैमसंग F04 फोन का। उस कवर में खासियत बात ये था कि वो कवर बहुत ही ज़्यादा मजबूत था, बहुत ही ज़्यादा टाइट था और जब भी मैं उस कवर के साथ अपने मोबाइल को यूज़ करता था तो मेरे हाथ में काफ़ी बड़ा नज़र आता था और मैं पॉकेट में भी डालने से मुझे महसूस होता था कि भाई बहुत हैवी मोबाइल मैं यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन वैसा नहीं है, वो कवर बहुत अच्छा था, बहुत ही मजबूत था। और इसी मोबाइल का आज मैं दूसरा कवर रिव्यू करने वाला हूँ। ये एक नॉर्मल कवर है, उसके जैसा कोई कुछ नहीं है, तो इसको भी मैं इसके केस से बाहर निकाल लेता हूँ। ये एक सिंपल सा कवर है, ये सैमसंग F04 फोन का कवर है। ये फुल्ली प्लास्टिक का है और ये बहुत ही ज़्यादा मुलायम है। ये सारे बैंड वगैरह हो सकता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, हल्का फुल्का सा कवर है जो सिर्फ इसके बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। कैमरा भी देखिए इस तरह का है सैमसंग F04 फोन में, जबकि पहले जो कवर मैंने रिव्यू किया था उसमें ये पूरा कटा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था। तो जब भी मुझे महसूस होता है कि मैं अपने फ़ोन को थोड़ा हल्का फुल्का रखूं, तो मैं उसके लिए ये कवर यूज़ करता हूं। ये ब्लू कलर का है और मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया है कि जब भी आप कवर लें तो एक साथ एटलीस्ट 3-4 कवर ज़रूर लें किसी थोक दुकान में जाके, ताकि बार बार आपको कवर के लिए परेशानी नहीं हो। एक बार अगर कवर ख़राब हो जाए, मान लिया कि कवर अगर ख़राब नहीं भी होता है तो भी आप अपने मर्ज़ी से चेंज करके लगा सकते हैं। वो हमें फील ऐसा ही होता है कि हमने नया मोबाइल पकड़ लिया है, ऐसा हमें फील होता है। तो मेरा भी जब मन करता है कि कवर मैं चेंज करूँ, तो मैं कवर फटे या नहीं फटे मैं अपने हिसाब से चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि जब भी मैं उसे हाथ में फिर इस्तेमाल करता हूँ तो वो मुझे एकदम नया फीलिंग महसूस करा देता है। तो ये इस कवर में उतना ज़्यादा कुछ नहीं है, पावर के बटन, वॉल्यूम अप डाउन, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सा कुछ वेलवेट टाइप का क्लॉथ लगा हुआ है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे चार्जिंग करने के लिए और माइक वगैरह के पोर्ट्स दिए हुए हैं, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ पकड़ने के लिए दिया हुआ है, ऐसा तो मेरे उस फ़ोन में नहीं था। हाँ, ऊपर में माइक दिया हुआ है कि आप माइक वाला चीज, माइक वगैरह में जो साउंड करते हैं, बात सुनते हैं, वो आपको अच्छा से सुनाई दे। ये कवर बहुत ही मुलायम है और फ़ोन में अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ, अधिकतर मैं यही कवर इस्तेमाल करता हूँ, वो हैवी वाला बहुत ही कम इस्तेमाल करता हूँ। रही बात नॉर्मल कवर की, तो नॉर्मल कवर भी मैंने एक साथ करीब 3-4 लिए हैं। देखिए, मैंने नॉर्मल कवर भी एक साथ 5 लिए हैं और इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। कलर की वैरायटी है, ये थोड़ा ब्लैक कलर में है, ये ब्लू में है, रेड, ग्रीन और ये फिर से ब्लैक है। तो जब भी मेरा मन करता है कि मैं थोड़ा सा कवर चेंज कर लूँ, तो मेरा जो भी मन करता है मैं वो कलर लगा लेता हूँ और मैं ये इंतज़ार नहीं करता कि मेरा कवर फटेगा, उसके बाद ही मैं इस्तेमाल करूँगा नया कवर। और एक साथ 3-4 लेने का ज़रूरत इसलिए पड़ जाता है मुझे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं बार बार दुकान पे जाऊँ और अपने मोबाइल का कवर के लिए देखूँगा। भले ही उस फ़ोन को मैंने 1 साल यूज़ कर लिया हो, 2 साल यूज़ कर लिया हो या 3 साल ही यूज़ कर लिया हो, मेरा मन करता है कि नहीं, अब कवर चेंज कर देना चाहिए, तो मैं चेंज कर देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं खरीद के भी भूल जाता हूँ, फिर भी मैं कवर ले लेता हूँ। एक कवर ये मुझे करीब पड़ा है इस बार, ये 40 रुपीज का पड़ा है ये कवर, एक पीस। और अगर मैं इसे अकेला लेता हूँ, एक ही पीस लेता हूँ, तो ये मुझे 120-130 के आसपास ही मिलता, इसलिए मैंने एक साथ ज़्यादा ले लिया। आज के सेशन में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।